In India, the COVID-19 lockdown was sudden, severe and absolute. देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. India's Prime Minister Narendra Modi plunged 1.3 billion people into confinement with only 4 hours' notice. Across the country, tens of millions of migrant workers suddenly found themselves without jobs and unable to return to their villages. हमारा ही सही बनाया है ना, निकल अब गरीब आदमी को पेट में लात मारा जा रहा है. 101 East investigates how the world's biggest lockdown is exposing India's vast inequalities. New Delhi, one of the most densely populated places on the planet, and my home for the last 15 years. I have never seen this metropolis so deserted. Nearly 20 million residents in hiding, afraid of an invisible enemy. Just hours after the lockdown was announced, migrant workers from across India began streaming out of the capital on foot. With no way to earn a living and public transport shut down, they were determined to return to their villages. Most were stopped and sent back to the slums scattered across the city. Idhar baitha. Ibrahim Mohammed moved to Delhi with his wife and 4 children a year ago after struggling to find work in their village in the eastern state of Bihar. जब से आए तब से जो है सो कुछ दिन तक मजदूरी किए, उसके बाद मजदूरी में जो है सो काम नहीं मिलने लगा. 2-4 दिन काम होता था, फिर बैठे रहते थे. 2-4 बाल बच्चा है तो भूखे तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए फिर रिक्शा पकड़ लिए. रिक्शा पकड़े जब से फिर दाल रोटी इसी में अपना चल रहा है. On a good day, Ibrahim could make up to $10. But now, he can't leave the slum at all. Not for work or to buy food. And things are getting desperate. तो हड़ताल के बाद से तो समझिए कि अब भूखे ही मर रहे हैं. ये जो है सो समझिए, ये जो बीमारी जो निकला है, तो इस बीमारी तो बाद में लगेगा हम लोग का. उससे पहले तो खाने बगैर हम लोग मर जाएंगे. खाना नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक है बीमार पड़ेंगे हम लोग. His only option is to join the long queue for food handed out by government workers. अंकल वहां लगो, पीछे जा दो और हटो पीछे. पटना जल्दी, पटना अरे आगे हो जाओ. ना पटना जाने दो. अभी तो गर्मी है, थोड़ा धूप लग रहा, पूरा झरक आंख पे, आंख से आंसू गिर जाता है. अब मजबूरी में कैसे तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा. जैसे भी खाने के लिए तो, पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा. 1 घंटा लगेगा तभी लग ही जाएंगे. खाना तो मिलता है. क्या मिला है इब्राहिम जी आज आपको? ये हमको अभी मिला, कढ़ी चावल मिला. अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे खाना खा रहे? यहाँ से तो अभी करीब करीब जब से बंदी हुआ ना, दो तीन दिन बाद से जो खाना यहाँ देने लगा है. क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाने वाले आदमी हैं. मेहनत किसी का आगे कहा है हाथ फैलाएंगे. अल्लाह जब सही सलामत हाथ पैर हम लोग को दिया है, मेहनत करके खाएंगे, मिट्टी कोर के खाएंगे, जो भी हो रिक्शा चला के खाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे, जैसे भी होगा बाल बच्चा का अपना पालन पोषण करेंगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएंगे, सिवा झुकेंगे अल्लाह के सामने.
अब ये जो जिंदगी आ गया है तो ये समझिए कि कुत्ता से भी बदतर हम लोग का जिंदगी आ गया। कच्चे है चावल कैसे होते तनियो सनी खा के पेट पालिए ना पड़िए भाई अब देखबे दे अब ये जब से ऐसा हुआ ना तो एकदम दिन एकदम और खत्म हो जा रहा और दो तीन महीना अगर ऐसा दो महीना रहेगा ना तो हम लोग मरिए जाएंगे ये बाल बच्चा लोग भी मर जाएगा आस्ते आस्ते। Ibrahim knows it's important to practice good hygiene and social distancing to ward off COVID-19. But about 3,000 people are crammed into the slum, and with no running water, it's impossible to follow the health advice. क्या करें मिट्टी सरकार बोले साबुन से धोने तो मिट्टी से धो रहे हैं साबुन देंगे तब ना धोएंगे साबुन से यहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा अभी 10 रुपया रहेगा तो बिस्कुट उस्कुट कुछ भी अच्छा बेकार खाने के लिए देते बच्चे को साबुन कहाँ से लाएंगे। सबका ऐसा ही है जुग्गी बना हुआ सबका थोड़ा ही थोड़ा सा जगह है सब उसी में एक एक जुग्गी में 5 लोग 6 लोग 4 लोग 3 लोग किसी में तो 10-10 लोग भी रहते हैं। मंत्री जो बोले हैं कि 1-1 मीटर दूर है तो हम लोग कैसे रहेंगे मंत्री जी उतना जगह देंगे हम लोग के लिए रखने के लिए दें तब ना हम लोग रहेंगे। Not far from Ibrahim's hut, we find Bikari Yadav, another migrant from Bihar. He left behind his wife and 2 children and now lives here on the edge of the slum. तो आप लोग कितने लोग रहते हो इधर? यहाँ 8 आदमी रहते हैं। तो सब किधर सोते हैं? 2 आदमी इधर सो जाता है, 2 आदमी इधर सो जाते हैं, 2 आदमी इधर सो जाते हैं। आप कहाँ सोते हैं? बिस्तरा तो यही है बनाए बुआई है आराम से सो जाते हैं ऐसे करके। The word bhikhari means beggar in Hindi. A name his parents picked because of their crippling poverty at the time he was born. But he rose above it. As a construction worker, Bikari was proud to earn enough money to take care of his family back home. But now, he's surviving on government handouts while his wife struggles to feed their children. He calls her every day. Hello? कुछ घर में खाने पीने के लिए कुछ है कि नहीं नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा किसी तरह करके तो गुजारिश तो करना ही पड़ेगा अब यहाँ भी लॉकडाउन बंद हो गया है अब कब गाड़ी खुलेगा तभी तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो बारिश भी आ रहा है। अच्छा पैसा वैसा भी नहीं है तो पन्नी पन्नी तो लाए पर मिलेंगे। कुछ दिन अपना किसी तरह दिक्कत काटिए किसी तरह बच्चे पापा बच्चे लोग को किसी तरह ध्यान से अपना रखिएगा। Bikari has worked on some of New Delhi's most luxurious buildings. He's seen up close how India's rich live. But he feels forgotten, abandoned by the very people whose homes he helped build. Hamara hi sahi se banaya hai na jab man ke chalo kaam nikal yahi labor hi mistri itna building khada kar deta bada aadmi bana deta hai malik ko bada bana deta hai yahi mazdoor aadmi iske haath se hi kamai ho rehta hai wo bana leta hai wo apna निकल अब गरीब आदमी को पेट में लात मारा जा रहा है मतलब बड़े आदमी को यही सोचना चाहिए कि गरीब इतना झुग्गी झुपड़ी में जंगल में मर रहा है तो वो लोग को मदद करना ज़रूरी है लेकिन कहाँ करने के लिए कोई आ रहा है यहाँ। Some are checking up on migrant workers. Desperate to prevent more migrants setting out across the country on foot, authorities are making sure people like Bikari stay where they are. Mask laga le. Abde bahar ho sab. Mask lagao apna toliya lagao. Bahar ho fatafat aa jao bahar. Kitne aadmi ho yahan? Main 8 aadmi rakhta hu. Aisa hai bete jab bhi koi train chalegi bus chalegi koi baat hogi kisi prakar ka convince hoga aap sabko bataya jayega theek hai
इससे पहले किसी बात की किसी अफवाह में नहीं आना कि आनंद विहार से ट्रेन चल गई है, बस अड्डे से बस चल गई, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इसका इलाज अभी से पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे हो पाएगा। और घर जाने की परमिशन अभी से किसी को नहीं है, जो आदमी जाए वही रहो, किसी बात की अफवाह में नहीं आना है। बाकी मोदी जी खुद इस चीज़ को बताएंगे जी, आज से बस चल गई, ट्रेन चल गई, क्या चल गई, कहाँ से चलेगी, वो भी बताएंगे। But with no job and no savings, Bhikhari is quickly running out of money. Even though he risks being arrested, he decides to venture out of the slum to search for work with his friend Mahavir. आपके पास लला जी काम धाम है कुछ तो आप दीजिए काम। भैया दे दो काम धाम, रोटी पानी किसी तरह खाएंगे, मर जाएंगे भूखा। कल से लॉकडाउन खुल रहा है। Their search proves futile. हाँ भाई, कैसा मार्केट है? मार्केट में भैया काम ही नहीं मिला यार। काम धंधा नहीं हो रहा ना? कुछ नहीं हो रहा। करेंगे क्या? बोलो ना। The government says it's trying to provide two meals a day for the millions of migrant workers stranded across India. But there are fears that hundreds of thousands are missing out. Volunteers are trying to fill the gap. Okay, so we are going to go into a Sikh temple this morning, where there are about 100 volunteers who cook 40,000 meals every day and distribute it across relief centers and slums throughout Delhi and surrounding regions. इंसान को तो डर लगता ही है, मौत से तो हर एक को डर लगता है, बट क्योंकि हमारे गुरुओं को जो गुरबानी में लिखा है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सेवा और सिमरन करते हुए मर गया, तो उसका कभी दोबारा मरना नहीं होता, वो सदैव के लिए जिंदा हो जाता है। परमिंदर सिंह हैज बीन वर्किंग 12 आवर्स अ डे सिंस द लॉकडाउन बिगन, ओवरसीइंग द यूनाइटेड सिख वॉलंटियर्स who cook and distribute this food. ये कच्ची है ना, कच्ची ना रहे, ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी ध्यान से। जो डेली कमा के खाने वाले हैं उनके लिए तो एक ही दिन का खाना होता है उनके घर में। हमारी ये सबसे पहली सोच ये थी कि भूखों को खाना अगर नहीं आप पहुँचाओगे तो वो लोग बाहर आएंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो ये लॉकडाउन फेल हो जाएगा, अगर ये लॉकडाउन फेल होगा तो ये कोविड-19 बहुत फैल जाएगा। The volunteers focus on places that have fallen through the cracks. तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं इन पे हमें फ़ोन आता है कि भाई जैसे अभी वार्ड 19 जहाँ पे है उसमें खाना जा रहा है, प्रशासन की ओर पे जा रहा है, लेकिन 150 आदमी वहाँ भूखा रह जाता है, तो हम फिर उनको पहुँचाते हैं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। टुडे we're joining Parminder and his team as they head to a slum on the outskirts of New Delhi. बहुत गर्मी है इसमें, पानी पानी हो जाता है बहुत, ये अब इसमें हवा नहीं जाएगी ना, देखिए आप ये पहनने पड़ेंगे। एक आदमी और पहन ले, जो आगे जाएगा वही पहनेगा। पहले बच्चों को हम एक पैकेट देंगे, बच्चे लेके निकलते जाएंगे इधर, हाँ इधर से निकल जाएंगे, ठीक है, बच्चे लेके इधर चलते जाएंगे, ठीक है, इधर से निकलते जाएंगे।
दे दोनों जी, हंस के दिखाओ, स्माइल स्माइल स्माइल, शाबाश। बिफोर द सिक्स अराइव्ड, दीज पीपल वर गोइंग हंग्री। टुडे दे रिसीविंग अ मील ऑफ ब्रेड, राइस, वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स। नहीं, दूरी रखो, नहीं मिलेगा ऐसे, दूरी रखो, लाइन लगाओ नीचे। ऊपर आने को किसने बोला? हो गया एक बार, अब नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा, कल नहीं आएंगे। They're done with this location, with the food distribution, but there's still quite a few people left, and they're starting to crowd around the bus despite repeated appeals to maintain social distance. नीचे जाओ ना यार, नीचे जाओगे नहीं? नीचे जाओ। The next stop is only a few kilometers away. The volunteers try to reach at least 10 slums every day. जब हम शाम को लौटते हैं और फिर हम सोचते हैं, खबरें बहुत आ रही होती हैं कि डॉक्टरों को हो गया, न्यूज़ वालों को हो गया, रिपोर्टरों को हो गया और पुलिस वालों को हो गया, तो फिर हम सोचते हैं यार बहुत हो गया, अब हमें भी कल से हम नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं, नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे खून में, हमारे बचपन से जो हमें सिखाया गया वो तो अंदर है ना। Across India, it's not just food that's in short supply. Medical treatment is also hard to find as the COVID-19 pandemic overwhelms hospitals. Millions of people who travel to Delhi every year in search of healthcare now have nowhere to go. Even the country's most prestigious public hospital has been turning away patients. There are about a dozen tents of this kind on either side of the road. Each tent has about 15 to 20 patients, all of them suffering from very grave ailments like cancer, waiting for neurosurgery. And all these patients are waiting for the hospital to reopen its doors for treatment once again. लॉकडाउन से यहाँ पर हम लोग आए हैं ना, तो लॉकडाउन तो ये। रानी देवी, हर हस्बैंड हरि एंड देयर सन धीरज ट्रैवल्ड फॉर 4 डेज फ्रॉम देयर होम इन बिहार टू रीच द हॉस्पिटल। अ फ्यू मंथ्स अगो धीरज डेवलप्ड पेन्स इन हिज नी एंड बिफोर लॉन्ग ही कुड बेरली वॉक। तो बोला कि जो दिल्ली में जो होता है बहुत चीज़ का, अमीर को होता है इलाज, गरीब को होता है इलाज, दिल्ली में बड़ा बड़ा डॉक्टर हैं, बड़ा बड़ा शहर हैं। तो हम लोग को बिहार वाला जो है भेज दिया, बोला कि तुम जो है वो दिल्ली में चल जाओ, तो वहाँ पर आपको एक पैसा नहीं लगेगा, इसको पैर कटना पड़ेगा, पैर में कैंसर है, पैर कटना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो नहीं, इसको पैर बचा दीजिए, कहने कि बड़ा लड़का को जैसे पैसा वाला को है, उसको लड़का को जो ऐसे हो जाएगा तो उसको पैर कट के फेंक देगा, कि इसको इलाज करेगा डॉक्टर, इलाज करेगा कि For 5 weeks, they've been turned away from the hospital. But Rani and Hari are desperate. Today, they're trying again to get a doctor to see their son. उसको हमको डॉक्टर से बोलना है कि हमारा बच्चा चाहिए, भर्ती कराना चाहिए हमारा बच्चा। हमारा पास में कुछ नहीं है, हमको भर्ती चाहिए। मोदी से हम जो है मदद मांगते हैं कि हमारा बच्चा को जो है भर्ती लीजिए, डॉक्टर को हमसे ऐसे बोलेंगे
जो हम बहुत गरीब है, हमको कुछ नहीं, हमारा शरीर हमारा जान है, हमको सरकार कुछ देता है, थोड़ा बहुत खिचड़ी देता है, वहाँ सब खा करके हम लोग दिन कटाते हैं। We're not allowed in, so we wait outside. But it's not long before we see them coming out. Hospital jaane ne diya hai, bahar se je jahan par gate ki je hai, wahan se nikal diya hum log ko. Hat mixture pakad ke hata diya ki je jaldi niklo yahan se. बोले तुम लोग को बोलते हैं कि जो बार बार कि जो मत आओ, यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर ओपीडी नहीं खुला है, मत आओ। A few days later, we return to the shelter outside the hospital. There's no sign of Rani and Dheeraj or any of the other patients we saw earlier. ये घूम के चला जाएगा, वो लोग स्कूल में चले गए, मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो आपको नहीं लेके गए स्कूल? नहीं, मैं नहीं गया स्कूल, वहाँ पे दिक्कत है खाने के लिए। क्या दिक्कत है? क्या होना है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं खाना आ रहा है, कल तो लोग भूखा सो गए जो जो गए थे। So this is Rani and Dheeraj's tent. In fact, they used to sleep right here. And they were taken away last night. I can't imagine how scared they must have been. I've been told that they're in a much safer place now. But we're going to go and see what's going on with them now. We find the school where the family has been relocated. We're not allowed to go in, but Rani comes out to see us. Namaste ji. Bura hal hai aapka. Namaste hai. Yahan par rahenge to tab ki badhiya hai ki wahan bachcha ko hamara serious ho gaya hai. Hospital bharti karne bolte hain, tab log hospital pe le jaate hain, gate se ghura dete hain. Ab to hum log sarkar thore hai ki je ilaaj karwa de. Wo hamare haath mein nahi hai na. Rani is losing faith. But she believes the city provides the only hope of saving her son. So they continue to wait. Just a few kilometers away, the news isn't good for Ibrahim and his family either. Unable to earn any money, he hasn't paid the rent for over 6 weeks. So even though there's a law in place that forbids landlords from evicting their tenants through the course of this lockdown, as of last night, Ibrahim has been evicted from his hut and the family has begun sleeping and living here on the street. Bola road pe ja ya kahin bhi ja mar hera humko isse koi matlab nahi filhal te abhi jukki khali kar aur nahi to tera sara samaan hum apna dhoke ghar le jayenge ye log unko ja ke bole to wo bhi un log ko samjha deta usi din ki nahi mangna hona to wo log torture nahi karne aata humko kuch bhi nahi bolne aata par kaha wo log kuch bhi baat nahi rakha. Moving to New Delhi was meant to be the start of a new life for Ibrahim and his family. Like millions of migrant workers, they thought the bustling metropolis would offer hope and prosperity. But instead, the COVID-19 lockdown has delivered misery and despair, destroying their dreams of a better life. यहाँ आ गए तो ऐसा हो गया बोल के आज दिन देखने पड़ा है तो कितना खुशहाल से खा रहे थे, आज का जिंदगी गुजार रहा, आगे का होगा नहीं होगा अल्लाह ही जानता है। इतना दूर तक में तो अभी ये व्यवस्था हो रहा है, आगे जाकर हम लोग का कफन भी नसीब होगा कि नहीं होगा अल्लाह जानता है।